खाना खजाना बिज सिखा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटे से डोसा। डोसा बनाने के लिए 1.5 कप चावल का आटा लिया है। आटे को एक बड़े बर्तन में डालेंगे। डोसे को क्रिस्पी बनाने के लिए ऐड करेंगे 2 चम्मच सूजी, 2 चम्मच बेसन। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सूजी, बेसन और चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 4 कप पानी। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसका एक घोल बना के तैयार करेंगे। आप जिस माप से आटा लेंगे आप उसी माप से पानी डाल लीजिए। घोल को अच्छे से फेंट लेंगे। घोल को तब तक फेंटेंगे जब तक इसमें कोई गांठ ना रहे। अगर आप एक साथ में पानी डाल देंगे तो इसमें गांठ रहने का चांस ज़्यादा रह सकता है। घोल में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे तो एकदम परफेक्ट घोल बन के तैयार हो जाएगा। देखिए घोल एकदम अच्छे से फिट गया है, इसमें कोई गांठ नहीं है। जिस तरीके की छाछ होती है घोल की कंसिस्टेंसी को उसी तरीके से रखना है। घोल में ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को देखिए एकदम बिल्कुल बारीक काट लिया है। 1 गाजर ली है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है, उसको भी ऐड कर देंगे। बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्ची, 5-6 करी पत्ते लिए हैं, इनको भी बारीक काट लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए घोल बन के तैयार हो गया है। घोल को ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि सूजी और आटा अच्छे से फूल जाएं। चटनी बनाने के लिए 1 कढ़ाई ली है, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें 1/4 कप मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली रोस्ट हो गई हैं, अब इसमें ऐड करेंगे भुनी हुई चना की दाल। जितनी हमने मूंगफली ली है उसी कप से हमने चना दाल ले ली है, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। इसी में ऐड कर देंगे 2 लाल मिर्ची, 2 जवा लहसुन। सभी को अच्छे से भून लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट को कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से भून गए हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सभी को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब इनको ठंडा होने देते हैं। मूंगफली और चना की दाल दोनों ठंडे हो गए हैं, इसको एक मिक्सर जार में डालेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक।
अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इमली का पल्प। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच नारियल पाउडर। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी। सभी को एकदम बारीक पीस लेंगे। चटनी को एकदम बारीक पीस लिया है, देखिए कितनी बढ़िया चटनी बन के आई है। चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे। चटनी पे तड़का लगाने के लिए एक तड़का पैन लिया है, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच राई, 5-6 करी पत्ते, 1 लाल मिर्ची। सभी को अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे। देखिए चटनी बनके तैयार हो गई है। 10 मिनट हो गए हैं घोल को रखे हुए। देखिए सूजी और आटा अच्छे से फूल गया है। अब इसे डोसे बना के तैयार करेंगे। डोसा बनाने के लिए एक तवा लिया है। तवा को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। तवा गरम हो गया है, अब इसके ऊपर घोल को फैला देंगे। पहले घोल को इस तरीके से चला लेंगे। अब इसको इस तरीके से फैला देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे डोसे को सिकने देंगे। डोसे के ऊपर हल्का हल्का तेल लगा देंगे। डोसा एक तरफ से थोड़ा सिक गया है, अब इसको पलट देंगे। इस तरीके से किनारे से छुटाएंगे। अब इसको पलट देंगे। हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। दूसरी साइड में भी डोसे को सिकने देंगे। डोसे को दोबारा से पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा जालीदार डोसा बन के आया है। डोसे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक कर दीजिए। तवा को दोबारा से ग्रीस करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। अब इस पे घोल को डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। हल्का हल्का तेल लगा देंगे। डोसा एक तरफ से थोड़ा सिक गया है, अब इसको पलट देंगे। इस तरीके से छुटाएंगे। देखिए ये भी डोसा अच्छे से सिक गया है। इसको भी तवे से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितने बढ़िया जालीदार डोसे बन के आए हैं। चावल के आटे का डोसा अपने घर में बनाइए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।